आपके सामने आकर मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। यह मां तारिणी की पवित्र भूमि है, जहां मां तारिणी स्वयं विराजमान है। बलदेव जीव और बलुकेश्वर महादेव की ये पुण्य भूमि हम सब के लिए दर्शनीय है। झोंझर जनजाति के श्री धरणीधर नाईक और श्री पद्मश्री सम्मानित बेतारी नाईक, जिन्होंने खुद एकले हाथ से 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई, दोनों को मैं याद कर मेरे बात की शुरुआत करना था। मित्रों, आज जब मैं आए हूं तो पुलवामा हमले में ओडिशा के दो सपूत प्रसन्न कुमार साहू और मनोज बेहरा दो शहीद हुए हैं। दोनों को मैं याद कर उनको श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं देश भर के अंदर घूमता 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 आज इस आदिवासी क्षेत्र के अंदर आया हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी और ओडिशा से लेकर गुजरात तक जहां जहां मैं गया, एक ही नारा सुनाई पड़ता है, एक ही नारा, मोदी 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 मोदी। देश भर में जहां पर भी गया, देश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार। मित्रों, देश के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 70 साल तक ये राहुल बाबा एंड कंपनी बीजू जनता दल ने शासन किया, मगर इस देश की गरीबी को वो हटा नहीं सके। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के लिए ढेर सारे काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु देश भर के अंदर तो देश का चुनाव है, ओडिशा में दो चुनाव है, मोदी जी को भी चुनना है, नवीन बाबू को भी निकालना है, निकालना है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मित्रों, ओडिशा राज्य की रचना ओडिया भाषा के सम्मान के लिए हुई। ओडिया बोलने वालों पर उनकी भाषा का अधिकार होना चाहिए और ये भाषा को संरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए ओडिशा राज्य की अलग स्थापना हुई थी। मगर 19 साल हो गए नवीन बाबू ओडिशा पर शासन कर रहे हैं, आपसे ओडिया भाषा में बात कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भाई? आपको एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपकी अपनी भाषा में आपसे बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनी केंद्र के अंदर और उसने पूरे देश का विकास करना शुरू किया। यह क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारा विकास किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 1600 करोड़ रुपया ये जिले को आवंटित किया गया है, 1600 करोड़ रुपया। ये सामने जो अस्पताल दिखाई पड़ा है, ये विशाल अस्पताल भविष्य में जहां मेरी आदिवासी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई सबका इलाज होने वाला है, ये नरेंद्र मोदी जी ने भेजे हुए डीएमएफ के पैसों से बन रहा है। मोदी जी तो भेज रहे हैं, परंतु नवीन बाबू ने अपने खिसे से एक 54 ने भी ये मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं दी, एक 54 ने भी नहीं। मित्रों, मुझे बताओ, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उनको? अरे वो दे न दे आप चिंता मत करो, जो लागत आएगी
नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बनकर ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बहुत शानदार तरीके से यहाँ से आदिवासी भाइयों की सेवा करने वाला है। नेशनल हाईवे को, नेशनल हाईवे 215 को 4 लाइन बनाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को 4 लाइन बनाया गया, दात्रेई बनसपानी रेल लाइन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और पहली मालगाड़ी की यात्रा भी हमारे समय के अंदर ही चली। मित्रों, एक बार नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बना दो, क्योंझर के लोग चाहते हैं कि यहाँ एक स्टील प्लांट लगे, वो स्टील प्लांट लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। यहाँ पर आदिवासी भाई जो वन संपदा लाते हैं उसको भी समर्थन मूल्य से खरीदने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओडिशा के विकास के लिए ढेर सारे काम किए। डीएमएफ के तहत 6,088 करोड़ रुपया देने का काम किया, आईआईएससीआर बहरामपुर में बनाने का काम किया, संबलपुर के अंदर मैनेजमेंट की शिक्षा मेरे आदिवासी बच्चे ले पाए इसके लिए आईआईएम बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, भुवनेश्वर के अंदर आईआईटी बनाने का काम किया, भुवनेश्वर के अंदर ईएसआईसी की एक नई अस्पताल बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और लगभग 10,000 करोड़, कितने करोड़ के भाई बोलो जरा, 10,000 करोड़ के फोर लेन रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। झारसुगुड़ा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया, बालासोर हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी लाइन डालने का काम किया, झारसुगुड़ा में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, महानदी और ब्राह्मणी नदी पर 5,000 करोड़ रुपया से एक वॉटर वे का निर्माण किया जो उड़ीसा के विकास को आगे ले जाएगा। मित्रों, 115 करोड़ की लागत से बालांगीर बिचुपाली रेलवे लाइन बिछाने का काम किया और उड़ीसा के 53 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई से जोड़ने का काम किया और सबसे बड़ा काम किया मित्रों, पाई का विद्रोह जो हमारे उड़ियाओं की अभिमान का विषय है,